Hello and welcome to Expert Guidance Video Classes, India's first institute with portability facility. आज के इस वीडियो में हम ब्रू शरणार्थी समझौते के बारे में जानेंगे, ब्रू कम्युनिटी क्या है इसके बारे में जानेंगे, उनका इतिहास क्या है और सरकार की ओर से उनको ऐसा क्या मिलेगा जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये खबरों में क्यों है। दो दशक पुरानी पूर्वोत्तर भारत की ब्रू जनजातियों की समस्या का समाधान निकल आया है। मिजोरम से भागकर आए और त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रह रहे 30,000 से अधिक ब्रू जनजातियों को अब वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। केंद्र, त्रिपुरा, मिजोरम और ब्रू जनजातियों के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के बाद अब उन्हें त्रिपुरा में ही बसाया जाएगा। अब हम देखते हैं ब्रू समुदाय क्या है या फिर ये कौन लोग हैं। तो ब्रू समुदाय पूर्वोत्तर भारत तथा बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली एक जनजातीय समूह है। मिजोरम में ब्रू समुदाय को अनुसूचित जनजाति का एक समूह तथा त्रिपुरा में एक अलग जाति समूह माना जाता है। ब्रू समुदाय को त्रिपुरा में रियांग के नाम से जाना जाता है। इस समुदाय के लोग ब्रू भाषा बोलते हैं, इसलिए इनका नाम ब्रू कम्युनिटी या फिर ब्रू समुदाय है। अब हम देखते हैं इनका इतिहास क्या रहा है और इनकी क्या समस्याएँ रही हैं। तो ब्रू समुदाय मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहते हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर ईयर 1995 में मिजोरम राज्य के चुनाव में भागीदारी को लेकर ब्रू समुदाय और मिजो समुदाय के लोगों के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। मिजो समुदाय के लोगों का कहना था कि ब्रू समुदाय के लोग राज्य के निवासी नहीं हैं। ब्रू और बहुसंख्यक मिजो समुदाय के लोग के बीच ईयर 1996 में हुआ सांप्रदायिक दंगा इनके पलायन का बहुत बड़ा कारण बना। ईयर 1997 में ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने एक मिजो अधिकारी की हत्या कर दी, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच विवाद के चलते दंगे भड़क गए और अल्पसंख्यक होने के कारण ब्रू समुदाय को अपना घर बार छोड़कर त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में आश्रय लेना पड़ा। अब जैसा कि ये क्लियर है कि ब्रू समुदाय को अपना संपत्ति सब कुछ छोड़कर दूसरे जगह शरण लेना पड़ा, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया। अब इंडियन गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ स्कीम्स लाई हैं, कुछ बेनिफिट्स लाई हैं, जिनके हेल्प से उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो ब्रू जनजातियों को त्रिपुरा में घर के लिए ज़मीन दिया जाएगा। इसके साथ ही 5,000 से अधिक परिवारों में प्रत्येक परिवार के खाते में 4,00,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा, जिसे वो 2 साल बाद निकाल सकेंगे। इसी तरह उन्हें 2 साल के लिए हर महीने 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2 साल तक खाने के लिए मुफ्त राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो नए पैकेज में उन्हें त्रिपुरा में ही, जहां वे पिछले 23 साल से रह रहे हैं, उन्हें रहने का मौका दिया जा रहा है, जो उन्हें 2018 में मिजोरम से ऑफर हुए थे। तो आई होप आपको ब्रू कम्युनिटी के समझौता समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड टिल नाउ इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।